राहुल जी, आपका सुबह सवेर में हार्दिक स्वागत है। आप हमें बताएं कि क्या आप एक मॉडल हैं एंड फिल्मों में आपका आना कैसा हुआ? इत्तेफाकन था बिल्कुल, क्योंकि मैं दिल्ली में मॉडल करता था उस वक्त। दिल्ली दिल्ली में ही रहता था और मॉडलिंग कर रहा था, तो एक मुझे कॉल आया मैड फिल्म से। मैड यानी कि मुकुल आनंद डायरेक्ट्स, तो वो लोग एक कास्ट कर रहे थे एक कैरेक्टर को, एक वो फिल्म बनाने जा रहे थे उस वक्त 10। तो मुझे लगा कि शायद एक ऐड फिल्म के लिए कॉल होगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऐड कवर्स वगैरह बनाते हैं। तो वो मुकुल जी लाइन पे आए और मुझे उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा कुछ कैरेक्टर है तेरे पे, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, यू कैच द नेक्स्ट फ्लाइट और आ जाओ बॉम्बे में। तो अगले दिन मैं बॉम्बे गया, उनसे मिला, जो उन्होंने सुनाया अच्छा लगा और वो फिल्म करियर शुरू हो गया। राहुल जी, आप हमें बताएंगे कि 10 में आपका कैरेक्टर क्या था और फिल्म क्या थी? फिल्म थी एक कमर्शियल फिल्म थी, रेगुलर कमर्शियल फिल्म, मगर उसमें यह था कि कुछ कॉनोटेशंस थे असली ज़िंदगी के। वो एक कैरेक्टर था मस्तकुल, जो है कि एक अफगान टेररिस्ट है, और वो कैरेक्टर था जो मुझे करना था। और एक इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, वो चिरारे शरीफ को एक टेररिस्ट ने उड़ाया था। चिरारे शरीफ एक मॉस्क है जो कि 10 अप्रैल को उसको उड़ाया गया था, तो फिल्म का नाम भी वहाँ से 10 आया, और वो कैरेक्टर था, बस वो मुझे करना था एक्चुअली। आपको कैसा लगा जब वो फिल्म बंद हो गई? इतनी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट थी, सबकी नज़रें थी उस फिल्म पर, तो उसे डेब्यू फिल्म हो सकता वो। डेब्यू फिल्म तो थी, मगर अब उसमें कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि इट वाज वो इत्तेफाकन ऐसी कुछ घटना घटी कि मेरे डायरेक्टर को हार्ट अटैक हो गया और उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को ब्लेम कर सकता कि फिल्म बंद हो रही है या कुछ। उसमें क्योंकि मुगुल जी का सारा आइडिया था, सारी फिल्म उनके जहन में थी, क्या होने वाला है फिल्म में, कैसे बनानी है, बहुत चार्ज थे उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब इन ऑल फेयरनेस उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके बाद किसी और को वो देना एक थोड़ी अनफेयर सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि एक तो बजट्स हैवी चाहिए, दूसरा जो भी उनकी स्टोरी थी, जो कुछ भी था, जो भी किरदार थे, वो सब उनके जहन में ज़्यादा थे। तो उनके उस वक्त तो बहुत चार्ज थे उस फिल्म के बारे में, अगर वो नहीं रहे तो उसको कंप्लीट करना एक तरीके से एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हो सकता है उस इंसान के लिए, मगर ये सब प्रोड्यूसर्स को डिसाइड करना है। तो इस वक्त तो फिलहाल एक खाली एक म्यूज़िक एल्बम की शेप में आ रही है, और उनका जो फेवरेट गाना था हिंदुस्तानी, वो दोबारा से उन्होंने फिल्माया यहाँ अपना रमाडा के सामने एक सेट लगा के। वो हिंदुस्तानी के बारे में इस तरह से सोचते थे कि हिंदुस्तानी एक नेशनल एंथम की तरह से हो सकता है, तो उन्होंने 26 जनवरी को, विच इज़ द रिपब्लिक डे हमारे देश का, उस वक्त उन्होंने सोचा कि रिलीज़ करेंगे उस गाने को। राहुल जी, आपके भाई जो है मुकुल देव, वो काफ़ी फिल्मों में दिखाई जाते, मतलब ही सीन लॉट ऑफ फिल्म्स, तो लोग कब देखेंगे आपको? देखिए, मेरा डेब्यू तो होना चाहिए था 98 में, मगर अभी देखिए 99 चल गया, शुरू हो गया है, मगर हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक मेरी एक फिल्म आएगी, उसका नाम है चैम्पियन, और उसमें मेरे बाकी को स्टार्स हैं, सनी देओल हैं, मनीषा कोइराला हैं, एक छोटा लड़का है 8 साल का बच्चा, उसका नाम है अभिषेक। तो एक अच्छी फिल्म बन रही है वो, और हो सकता है उसी में मैं आऊँगा पहली बार पर्दे पे। आप अपने रोल के बारे में कुछ बताएंगे? उसमें रोल ये है कि पहले हाफ में वो एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यू नो, बहुत अच्छा है कंप्यूटर्स में, अपने एकेडमिक्स में, और एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटती है कि जो उसके माता पिता हैं, जो उनके पिता के पार्टनर हैं बिजनेस में, वो उनसे चीटिंग करते हैं, और उस वजह से जो माली हालत है फैमिली की, वो कुछ ठीक नहीं रहती, और उस वजह से उसके फादर सुसाइड कमिट कर लेते। और उसके बाद एक वेंडेटा की स्टोरी है, रिवेंज की स्टोरी है, कि जिस फैमिली की वजह से उनके पिता की ये दशा हुई, उस फैमिली से रिवेंज लेना इस कैरेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है ज़िंदगी का। उस कैरेक्टर का नाम है नाजिर, जैसे कि मैंने बताया वो एक कंप्यूटर विजेट है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, बहुत अच्छा लड़का है, मगर क्योंकि उस ऐसा एक अनफोर्सीन सा हादसा होता है उसकी ज़िंदगी में, जिस वजह से उसका जो आत्मसंतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसके बाद वो एक विंडेटा की कहानी हो जाती है। तो एक अच्छा शेड है उसमें, एक वाइट शेड है पहले हाफ में,
यू नो ईजी गोइंग कॉलेज बॉय है, और सेकेंड हाफ में एक टोटली डिफरेंट एंग्री और ऑब्सेस्ड सॉर्ट ऑफ पर्सन हो जाता है. Actually, it would be nice to do it with Mukul and together. That is what you are planning, but. Champion के अलावा आपकी और कौन सी फिल्में हैं सर? Champion के अलावा मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ, उसका नाम है मेरे अपने. उसमें मेरा छोटा भाई मुकुल और मैं, हम दोनों साथ में हैं, और इसके डायरेक्टर हैं रतन ईरानी, जो कि इंद्र कुमार जी के छोटे भाई हैं, और लड़की है मायूरी कॉन्गो, और अमरीश जी हैं, और ये कश्मीर के बैकड्रॉप पे फिल्म बन रही है. इट्स बेसिकली अ स्टोरी अबाउट अ फादर एंड हिज डॉटर्स, और जो भी कश्मीर में हो रहा है उस सब के बारे में थोड़ा. आपके छोटे भाई कितनी सारी फिल्में आई हैं, तो आपको कंपटीशन का डर नहीं रहता कि कहीं? नहीं, खुशी होती है जब उसकी कोई फिल्म आती है. कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता. एक तो वो मेरे से छोटा है 2 साल, और दूसरा आई मीन भाइयों में कैसी कंपटीशन है ना. भाइयों में तो यही है कि खुशी होती है अगर दूसरा कोई अच्छा करे, या उसे खुशी होती है अगर मैं अच्छा करूँ, यू नो उस तरह का होता है. आई मीन जैसे हिंदुस्तानी भाई या बहन होते हैं, यू नो हिंदुस्तानी लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशन इतना होता है इंडियंस के अंदर, यू नो फॉर योर ब्रदर, फॉर योर सिस्टर, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर अंकल्स, फॉर योर आंट्स, तो उस तरह का ही है माहौल सा. मतलब घर पे ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है कॉम्पिटिशन या कुछ. कोई कारण था कि आपने लेट फिल्मों में चालू किया, लेकिन यू स्टार्टेड कमिंग लेट इनटू फिल्म्स? लेट नहीं, मैं मॉडल करता था, और अच्छा मॉडल, हिंदुस्तान के अच्छे मॉडल्स में से गिना जाता था. तो फिल्म्स में कुछ ऐसा तो था नहीं कि फिल्मी बैकग्राउंड है. जो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों फिल्म से नहीं है. मैं दिल्ली में रहता था, और दिल्ली से बम्बई आना और फिल्म में जाना ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं था. तो उस दौरान मैंने बताया, वो मुझे मैट फिल्म से कॉल आया, जो कि बेसिकली एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाते हैं. वो कंपनी ने कोक का कमर्शियल बनाया, पेप्सी का कमर्शियल बनाया, बहुत सारे और कमर्शियल बनाया. तो मुझे लगा कि एक और कमर्शियल के लिए फ़ोन होगा, किसी एड कमर्शियल के लिए. मगर वो कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लगा, और वो सब कुछ ऐसा हुआ यू नो जस्ट बाय चांस, कि मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर लेता हूँ. और बहुत अपीलिंग था वो जो भी उन्होंने मुझे सुनाया, तो उस वजह से मुझे लगा कि हाँ यार लेट्स गिव इट अ शॉट. फिल्म्स सुना जाता है कि आपने राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर के साथ फिल्म ना करने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो उनके साथ फिल्म करना चाहता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि वो कभी मेरे साथ काम करें. वो जो उनकी फिल्म बन रही थी एक, जो कि नितिन मनमोहन ही प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें एक कैरेक्टर था जो कि जिसके लिए मुझे बुलाया गया था. पहली बात तो राम गोपाल जी वो फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनके असिस्टेंट डायरेक्ट कर रहे थे. और दूसरी बात यह है कि उस कैरेक्टर में मैं फ़िट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उन्हें एक चाहिए था एक 40-45 साल का थोड़ा बुज़ुर्ग सा आदमी. तो मैं तो अभी यू नो आई एम जस्ट 28 एंड लगता भी नहीं था वो मेरी तरह, यू नो वो एक बिहारी कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है बहुत, तो मेरे पे फिट बैठ ही नहीं रहा था. तो आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद राम गोपाल वर्मा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आगे राम गोपाल वर्मा जैसे अगर डायरेक्टर आपको मिल जाए तो बात ही क्या. आप अपने फिल्म्स को कैसे चूज़ करते हैं? अभी आपने कहा कि यू लव टू वर्क विद राम गोपाल वर्मा, लेकिन यू आर नॉट दैट काइंड हु लाइक यू सेलेक्ट एनी फिल्म दैट ही गेट्स, तो हाउ डू यू चूज़ अ फिल्म? मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि चूज़ कर सकूँ फिल्म, मगर हाँ जहाँ तक भी ये है कि फिल्म जो मिलती है, लोग कुछ सब्जेक्ट सुनाते हैं, उसमें आपको देखना होता है कि आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, और प्लस आपसे ज़्यादा डायरेक्टर को देखना है कि आप उस फिल्म के लायक हैं या नहीं. तो चूज़ करने की तो पोजीशन में अभी मैं अभी हूँ नहीं, मगर यह है कि अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ, और ये होप करता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलें जो मेरे साथ काम करें, मुझे चांस दें, अपॉर्चुनिटी दें. आप फिल्मों के साथ मॉडलिंग का करियर भी शुरू रखेंगे या नहीं? मॉडलिंग अब कहाँ से शुरू होगा, फिल्म से एक बिल्कुल डिफरेंट माध्यम है, एक और मीडियम है, अलग किस्म का मीडियम है. फिल्म में आपका चेहरा कैसा लगता है ये ज़रूरी नहीं है, आप सही लग रहे हैं नहीं हंसते हो ये ज़रूरी नहीं है, आप परफेक्ट दिख रहे हैं नहीं ये ज़रूरी नहीं है, मगर ये है कि आप उस कैरेक्टर में सही बैठ रहे हैं नहीं, आप क्या इमोशन दे रहे हैं, कितनी इमोशन दे रहे हैं हर चीज़ में, वो सब ज़्यादा है. और अगर कोई सेंसिटिव कैरेक्टर है तो आप कितना वो अपनी अंदर की सेंसिटिविटी को बाहर लाते हैं, कोई और कैरेक्टर है तो वो आप कैसे करते हैं, कैसे अपने इनपुट्स डालते हैं डायरेक्टर के अलावा उस कैरेक्टर के अंदर. तो फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट.
आप लोगों को कितना छू पाते हैं जब आप हंसते हैं, चाहे आप अच्छे दिखें हंसते हुए या नहीं दिखें, लोग आपके साथ हंसते हैं या नहीं हंसते हैं, वो सब है. इट्स अबाउट जेन्युइन इमोशन. मॉडलिंग, मॉडलिंग में जहाँ तक सवाल है, इट्स मोर ऑफ अ प्लास्टिक सुपरफिशियल अपीयरेंस जो आपकी कैसी है, आपकी लुक कैसी है. अगर आप एक कमर्शियल कर रहे हैं शर्टिंग्स का, उसमें आप क्लीन शेवन रहेंगे, छोटे बाल रहेंगे, या जैसे भी, मतलब जो भी उस लुक है, वो एक पर्टिकुलर जीन्स कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी उसमें स्टबल है, बाल लंबे हैं, या जो भी है थोड़ा रगेड है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं. खाली एक कॉमन बात यह है कि दोनों में आप कैमरा के साथ खेल रहे हैं, और यू नो कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है. मगर जैसे मैंने बोला, एक में एक बहुत ही प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है. हाँ, उसमें हो सकता है कुछ एड्स ऐसे मिले जिसमें हंसना है और वो सब करना है, मगर यू कैन नॉट कंपेयर टू फिल्म्स. आपको मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को सुबह से? मैसेज यही दूंगा कि ड्रग्स ना करें, एक तो ड्रग्स ना करें, और जो भी कुछ करें, क्योंकि मैंने कई केसेस देखे हैं यार, हमारे इंडस्ट्री में देखे हैं, आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री देखे हैं. ड्रग्स से क्या होता है मुझे मालूम है, मुझे पर्सनली तो नहीं मालूम, मैंने कभी ड्रग्स नहीं किए, मगर ये है कि मैंने देखा है, मतलब वन टू वन लोगों को देखा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोगों को देखा है. तो बस यही है, ड्रग्स ना करें, कुछ भी करें, जिम करें, खेलें कूदें, और कुछ भी करें, ड्रग्स ना करें. Thank you, sir. Wish you all the best for being on the show. Thank you, sir.